हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, पर्ल वी पुरी की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होनी थी। आज था पर्ल की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन, जब पर्ल को उम्मीद थी कि शायद वो इस झंझट से बाहर निकल पाएंगे, शायद उन्हें बेल मिल पाएगी और वो इस केस को लड़ पाएंगे। लेकिन क्या हुआ है अब, चलिए हम आपको बताते हैं। पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेल दोस्तों, पर्ल वी पुरी वो एक्टर जिनको पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से अभी तक पर्ल को जमानत नहीं मिली। पर्ल लगातार अपनी जमानत के लिए ट्राई कर रहे हैं और आज भी उनकी कोर्ट में सुनवाई थी। पर्ल खुद कोर्ट पहुंचे अपनी सुनवाई के लिए। पर्ल खुद चाहते थे कि उनको जमानत मिले, जिससे वो बाहर जाकर इस केस पर अपना पक्ष रख सकें। लेकिन पर्ल को लगा बड़ा झटका। खबरों की माने तो पर्ल भी पूरी काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, उनकी हालत खराब है और उनके चेहरे की चमक भी गायब हो चुकी है। उनकी आंखों के आंसू साफ दिख रहे थे और उनकी आंखों के आंसू उनकी आंखों से तब बह निकले जब सुनवाई की अर्जी को रद्द कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पर्ल वी पुरी की जमानत की अर्जी रद्द हो गई है, उनको जमानत नहीं मिल रही है और अब इस केस पर अगली सुनवाई 15 जून को होगी और तब तक पर्ल को जेल के अंदर ही रहना होगा, जैसे वो अभी तक रहते आ रहे हैं। लेकिन ये पर्ल के लिए बहुत बड़ा झटका है, पर्ल के परिवार वालों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। पर्ल पूरी तरह से टूट चुके हैं। पर्ल अपना पक्ष रखना चाहते हैं लेकिन उनको बाहर आकर ये करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।